सैनिकों का हौसला बुलंद है। हम लोगों ने अपने पूर्व सैनिकों की भी चिंता की। सरकार बनने के बाद वन रैंक वन पेंशन जो 30-35 वर्षों से हमारे पूर्व सैनिक जिसकी मांग कर रहे थे, उन्होंने बजट में कांग्रेस के लोगों ने 500 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया था। हम लोग 70,000 करोड़ से अधिक वन रैंक वन पेंशन के अंतर्गत दे चुके हैं मेरे बहनों भाई। सैनिकों का हौसला बुलंद है। हम लोगों ने अपने पूर्व सैनिकों की भी चिंता की। सरकार बनने के बाद वन रैंक वन पेंशन जो 30-35 वर्षों से हमारे पूर्व सैनिक जिसकी मांग कर रहे थे, उन्होंने बजट में कांग्रेस के लोगों ने 500 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया था। हम लोग 70,000 करोड़ से अधिक वन रैंक वन पेंशन के अंतर्गत दे चुके हैं मेरे बहनों भाई। नमस्कार दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन को लेकर सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पर आ चुकी है। जी हाँ, रक्षा मंत्रालय MOD की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पर आ चुकी है। आपने आगे वीडियो क्लिप में देखा कि किस प्रकार यहाँ पर जो हमारे रक्षा मंत्री जी हैं उनके द्वारा वन रैंक वन पेंशन ORP को लेकर जी हाँ बहुत ही बड़ा लाइव ऐलान यहाँ पर कर दिया गया है कि जितने भी हमारी ORP की डिमांडें थी वहाँ पर लागू की जाती हैं। और साथ में यहाँ पर जो भी हमारे पुरुष सैनिकों ने जो भी हमने यहाँ पर पुरुष सैनिकों के सामने वादा किया था कि हम आपको आपकी वन रैंक वन पेंशन देंगे, तो हमने वन रैंक वन पेंशन यहाँ पर लागू कर दिया। जी हाँ, सही सुना आपने, यहाँ पर रक्षा मंत्रालय MOD की तरफ से यहाँ पर जो है लेटर जारी हो चुका है आपकी डिमांडों को लेकर। जितनी भी यहाँ पर हमारे पुरुष सैनिकों की डिमांडें थी, जी हाँ, यहाँ पर जिनको लेकर काफ़ी लंबे समय से वो अपना प्रोटेस्ट जारी रखे हुए थे जंतर मंतर पर, तो उसको लेकर यहाँ पर बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर इस लेटर जारी हो चुका है जिस लेटर में जो जी हाँ यहाँ पर काफ़ी सारे जो डिमांड यहाँ पर लागू कर दी गई हैं। तो यहाँ पर जितनी भी डिमांडें हैं, खासकर ये लागू होने के बाद जो हमारे ज्येष्ठ जवान हैं उनको जी हाँ सबसे ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है, तो इसलिए खासकर उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले डिमांड यहाँ पर सरकार द्वारा लागू की गई है वो है आपके फिकमेंट फैक्टर को लेकर। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, जितने भी हमारे ज्येष्ठ जवान हैं, उनको सिर्फ यहाँ पर 2.57 फिकमेंट फैक्टर अकॉर्डिंग यहाँ पर पेंशन दी जा रही है, जबकि जो बड़े अधिकारी हैं उनको 2.81 फिकमेंट फैक्टर अकॉर्डिंग यहाँ पर पेंशन दी जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना भेदभाव यहाँ पर हमारे पुरुष सैनिकों के साथ किया जा रहा है। तो जी हाँ, ये भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, सबको समान जो है यहाँ पर फिकमेंट फैक्टर अकॉर्डिंग यहाँ पर पेंशन मिलनी चाहिए। चाहे कोई फिर वो JCO जो हो, चाहे कोई फिर वो ORS हो, चाहे कोई जवान हो, चाहे कोई फिर बड़ा अधिकारी हो, कोई ऑफिसर हो, जहाँ सबको एक ही फिकमेंट फैक्टर अकॉर्डिंग यहाँ पर पेंशन मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर जी हाँ सरकार द्वारा अब इस डिमांड के ऊपर यहाँ पर जहाँ मोर लग चुकी है। उसके बाद जो दूसरी डिमांड है वो है आपके जितने भी हमारे प्री मैच्योर जो कि 2014 से पहले के रिटायर्ड है, जी हाँ, उनको भी यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। ORP का जो सरकार है उनके द्वारा यहाँ पर बड़ा ऐलान किया गया था कि जितने भी हमारे पुरुष सैनिक हैं जो कि 2014 से पहले के रिटायर्ड है उनको ORP का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अब जी हाँ यहाँ पर बड़ा यहाँ पर ऐलान हो चुका है, यहाँ पर सरकार ने इस डिमांड को मान लिया है। चाहे कोई 2014 से पहले का रिटायर्ड है, चाहे कोई बाद का रिटायर्ड है, सबको यहाँ पर ORP का बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसलिए जी हाँ इस डिमांड को भी यहाँ पर सरकार द्वारा जो है लागू कर दिया गया है। इस पर जी हाँ मोहर लग चुकी है। यहाँ पर दोस्तों ये बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही थी, हालांकि अभी और भी काफ़ी सारी जो डिमांडें बचती हैं, अगर मैं हर एक डिमांड बताऊंगा तो फिर वीडियो दोस्तों काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो अगर आपको ये ऑफिशियली लेटर चेक करना है तो फिर मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका लिंक डाल दूंगा, उस पर जाकर जो अपनी चेक कर सकते हो कि आखिर कौन कौन सी डिमांड यहाँ पर लागू हो चुकी है और किस किस को कितना कितना बेनिफिट होगा ये डिमांडें लागू होने के बाद। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही थी यहाँ पर MOD की तरफ से हमारे सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन को लेकर। फिर मिलते हैं उस नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी भूतपूर्व सैनिकों को जय हिंद, जय भारत।